हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई नो आई एम पोस्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट यू नो समथिंग इज़ गोइंग ऑन, सो नाउ आई विल पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस होपफुली। सो आई वांट टू टेल दैट आई हैव रिसेंटली अप्लाइड फॉर द US वीज़ा एंड द प्रोसीजर एट द सेंटर, स्पेशली एट द मुंबई सेंटर, बिकॉज आई हैव अप्लाइड एट द मुंबई सेंटर। So the procedure is a bit different like it was before, if you compare to before. So पहले क्या होता था कि पहले ड्रॉपबॉक्स के लिए डायरेक्टली आप अंदर चले जाते थे एंड जस्ट यू नीड टू सबमिट इन एंड फिनिश इट ऑफ, बहुत आसान होता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक आफ्टर कोविड से मतलब यू नीड टू टेक अपॉइंटमेंट्स एंड देन स्पेशली एट द मुंबई सेंटर आपको कंटिन्यू उधर खड़े रहना है लाइन के अंदर। जब आपका नंबर आएगा तब आप जाओगे। सो हाँ, टाइम तो लग जाएगा उधर आपको, ठीक है। फिर अंदर जाके एक और लाइन होगी। सो प्रोसीजर अभी मतलब स्लो हो गया है ड्रॉप बॉक्स के लिए, पहले जैसा नहीं रहा है। सो हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ रही है और टोकन लेने पड़ रहे हैं। ये था। फिर अंदर जाके आपको ना जेरोक्सेस जो हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स जो आप प्रूफ के तौर पर दोगे, वो चीज़ों के ना जेरोक्स आप पहले ही लाइक CDC और समथिंग जो भी जेरोक्सेज हैं, आधार कार्ड स्पेशली, जब आप लेने जाओगे ना पिकअप के लिए, तो दे विल आस्क यू कि भाई आधार कार्ड का जेरोक्स दो। सो ऑलवेज कैरी योर जेरोक्स कॉपी, क्योंकि उधर कराओगे तो बहुत कॉस्टली है, 10-10, 20-20 रुपए का एक पेज है उधर। सो या इट्स बेटर कि आप पहले ही करवा लो वो चीज़। एंड देन उसके बाद यूजुअली 7-8-10 दिन मैक्स टू मैक्स 10-12 दिन के अंदर आपको आ जाता है। सो मुंबई में लाइक सीमेंस का अप्लाई किया था, तो उसके अंदर लाइक इशूड सेंटर चेन्नई आया था। तो मैंने पूछा था कि भाई इशूड चेन्नई क्यों है, मैंने तो मुंबई में अप्लाई किया है। तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि आप जब मतलब आपका CDC यहाँ से चेन्नई जाता है एंड देन चेन्नई से वहाँ से दे अप्रूव इट एंड देन हमारे पास आता है ऐसे करके। सो नो इश्यूज आपके उसमें, इशूड स्टेट इज़ चेन्नई सिटी। सो वो भी चलेगा। एंड जो लोग मुंबई में रहते हैं एंड ट्रेन से आ रहे हैं, तो कुर्ला उतर के आपको कौटल्या बिल्डिंग बोलना पड़ेगा। सो वहाँ पे वो ऑटो आपको शेयरिंग भी जाता है, कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट बांद्रा से भी शेयरिंग में आता है, बट वही है कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है बाहर एज सच, वही मतलब धूल मिट्टी और धूप में ही खड़ा रहना है, कोई बैठने की भी जगह नहीं है एंड पार्किंग भी पेड है, पार्किंग भी इज़ नॉट ईजी। सो इट्स बेटर इफ़ समवन इज़ अकम्पेनिंग यू। सो या दैट्स इट फॉर द US वीज़ा। बाकी तो आप ऑनलाइन, इट्स बेटर यू गाइज विल ऑनलाइन ओनली एंड अवॉइड गिविंग मनी टू एजेंट्स, यू नो। चलो, सी यू, बाय, टेक केयर बडीज़।